हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो मैं आया हूँ अपने मंदिर आयशनी मंदिर आया हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ में। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कई बार शाम को बिजी हो जाता हूँ और अब फ्री हो तो मैं सोचा थोड़ा आपको नया लुक मिलेगा और एक व्लॉग स्टाइल में आपका वीडियो शूट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ द वीडियो फॉर क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके मन में रिगार्डिंग एनलिस्टिंग ऑफ ड्रोन्स, जिसका नोटिस आया था 13 जनवरी को नोटिस आया था एंड 31 इज द लास्ट डेट। अब इसको लेके काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो एज ए ड्रोन टेक डॉक्टर, डॉक्टर वंश मल्होत्रा, मैं आपको बस सॉल्व करने वाला हूँ क्योरीज जो आपके मन में आई हैं अब तक। तो होप आपको ये वीडियो, जो आपके सवाल हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं कि मैविक मिनी को करवाना है, टॉय को करवाना है, मैंने नया ड्रोन लेना है, वो कब करवाऊँगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। तो और क्या है ये एनलिस्टिंग, क्यों हो रही है, तो सब क्लियर होने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली मेनली फॉर द क्वेश्चंस। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड आई एम शूटिंग ऑन माय फोन आईफोन एक्सेस। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसी फुटेज है और किस तरह से आपको वीडियो लग रहा है। तो ये वीडियो होने वाला है ड्रोन्स के लिए, एनलिस्टिंग को लेके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एंड मैंने कार्ड्स में वो डाल दिया सब कुछ जो पहले वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपने एनलिस्ट करवाना है। आज मैं मेनली लूंगा क्वेश्चंस, क्वेरीज, और इससे मैं ज़रूर आपके कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जो आपको लग रहा है एक शोशा बना हुआ है, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि ये लिस्टिंग में मैविक मिनी आएगा कि नहीं, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैविक मिनी 149 ग्राम्स का है, उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। काफ़ी अखबारों में भी गलत छप गया है कि रजिस्ट्रेशन, ड्रोन की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और लास्ट डेट है 31 जनवरी, जल्दी से करवा लें। तो सबसे पहला डाउट आपको क्लियर ये होता है कि ये एक लिस्ट बनाई जा रही है सिर्फ, इसको कहा जाता है इनलिस्टिंग। और जो नंबर जनरेट होंगे वो आपकी लिस्ट नंबर है और आपका ओनर नंबर है। तो इसमें कहीं भी नहीं है कि आपका ये ड्रोन रजिस्टर हो गया इसको, आपको ये नंबर मिलने के बाद। तो बेसिकली हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए कर रही है ताकि इंडियन गवर्नमेंट को पता लग सके कि ड्रोन्स कितने हैं अब तक इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनके मालिक कौन है। तो ये इसलिए किया जा रहा है। तो आप इसको गलत मत लें कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ये एनलिस्टिंग हो रही है। अब दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करवाना जरूरी है? अगर मैं ना कराऊं तो क्या होगा, मैं नहीं करवाता एनलिस्ट, मेरी मर्जी, ऐसा जहन में क्वेश्चन है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ लाइटिंग अच्छी आ रही है, यहीं पे फिनिश कर लेंगे। तो बेसिकली क्योंकि ड्राइविंग के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मुझे एक जगह की तलाश थी और यहाँ स्लिप रोड पे हम आ गए तो मैं बता रहा हूँ। तो ये करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पहला स्टेप है आपकी लिस्टिंग का, उसमें जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ ड्रोन रेगुलेशन की, इसको नहीं मालूम है देख ले किस तरह से रजिस्ट्रेशन होनी है ड्रोन की, वो स्टेप पे पहुंचने के लिए वो अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ, आपको क्लियर कर दूं। जब शुरू होगा मैं अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो स्टेप्स जो रजिस्ट्रेशन के पूरे करने के लिए आपको इनलिस्टिंग करवाना जरूरी है। जो जो ड्रोन लिस्ट नहीं होंगे वो टोटली इलीगल करार कर दिए जाएंगे। और उसके बाद उसके अगर आपने लिस्ट नहीं करवाया ड्रोन और आपको उड़ाते पकड़ लिया गया, देन आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो कंपलसरी तो है। अब तीसरा पॉइंट कई कह रहे हैं कि जी मेरे पास अभी ड्रोन नहीं है, मैंने 31 मतलब फरवरी में लेना है ड्रोन, तो मेरा क्या, मेरी लिस्टिंग नहीं होगी क्या? तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो डेडलाइन है ये उनके लिए है जिनके पास ड्रोन ऑलरेडी है, जैसे मैं हूँ, मैंने करवा लिया। आप जो भी लोग जिनके पास ड्रोन होगा वो देख रहे होंगे, तो जिनके पास ऑलरेडी ड्रोन है उनके लिए डेडलाइन है 31। जो लेने वाले हैं, जो फरवरी में लेंगे या मार्च में लेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी है कि साइट पे लिस्टिंग बंद हो जाएगी, नहीं बंद होगी। ये एक एसेंशियल स्टेप है। अगर आपने बाद में ड्रोन लिया तो बाद में जाके आप उसको एनलिस्ट करवा सकते हैं, करवा के सकते हैं, आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू दैट। तो आप लेने वाले हैं या ले लिया है, दोनों, अगर ले लिया है तो आपके लिए डेडलाइन है 31, और अगर आप लेने वाले हैं तो बाद में भी आप लिस्ट करवा सकते हैं क्योंकि ये जो वेबसाइट है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ये लिंक बना रहेगा। क्योंकि सारे ड्रोन्स को उन्होंने अभी फिलहाल 31 तक वो ओल्ड ड्रोन्स के बारे में सोच रहे हैं और उनको रजिस्टर करने के लिए बोल रहे हैं।
अब इससे अगला क्वेश्चन आता है कि हम साइट पे गए हैं पर वहां पर ब्लैंक हो गया, मतलब ये रिपोर्ट अब आ रही है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूज रश हो गया है। अब साइट में मेरे ख्याल सर्वर डाउन हो रहा है या सर्वर बिजी है, कोई फॉल्ट है, साइट क्रैश हो रही है, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो क्या करें इस सिचुएशन में, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 13 को नोटिस आया था, 14 को मैंने वीडियो बना दिया था, इसलिए बनाया था कि जल्दी से जल्दी आप अपना ये सब कुछ करवा लें। तो अब आप लेट कर रहे हैं तो रश बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन्स काफी हुए हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं, काफी लोगों का शौक है, काफी वीडियो मतलब वेडिंग वाले हैं, कई तरह के हैं, हर एक के पास ड्रोन है, काफी लोगों के पास ड्रोन है। तो वो एनलिस्ट हो रहा है, तो मे बी साइट में इतना उन्होंने ढंग से नहीं बनाई हुई है तो इतना मतलब रश को हैंडल नहीं कर पाई, तो ये चल पड़ेगी, इसमें कोई नहीं है, आपको ट्राई करते रहना, जल्द ही आपका बेसिकली रजिस्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास टॉय ड्रोन है और या फिर हमने एक ड्रोन असेंबल कराया टॉय की तरह, तो उसको हम लिस्ट करवाएं या ना करवाएं। तो उनका ये आंसर ये है कि जी हाँ, चाहे आपने असेंबल किया है चाहे आपने टॉय ड्रोन लिया है, जहां पर ड्रोन वर्ड आ गया आपको एनलिस्ट करवाना ही पड़ेगा। अब कई लोगों को पता नहीं लग रहा है कि हाँ, इनके लिए भी एक सवाल है कि वो कह रहे हैं हमारे पास सीरियल नंबर कहाँ से आएगा, हमने खुद असेंबल किया है। तो बेसिकली सीरियल नंबर और जितने भी नंबर्स वहाँ पे पूछे गए ड्रोन की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो सब एक मतलब आपको इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो डिटेल आपकी बेसिकली आपकी या कोई आरसी नहीं बन रही है, ये बेसिकली एनलिस्टिंग हो रही है, ये कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका नहीं बन रहा कि उसमें कुछ गलत आपने भर दिया तो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको नंबर पता लगता है वो आप उसमें डालें, नहीं डालेंगे तो वो फॉर्म कम्प्लीट ही नहीं होगा, आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। तो मैं अपनी तरफ से एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि जो भी नंबर आपको लग रहा है कि आपको उसमें डालना है आप डाल सकते हैं, तो आप डालिए, फॉर्म को कंप्लीट कीजिए, जैसा भी आपको समझ आती है, बस खाली नहीं छोड़ना आपने। आप कहीं कह रहे हैं FCN नंबर हमें नहीं पता लग रहा, कंट्रोलर नंबर हमें नहीं पता लग रहा, तो वो इशू नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिकली गवर्नमेंट का मेन इशू है कि आप उनको पता लगे कितने ड्रोन्स हैं और उनके मालिक कौन है और उनका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। तो मेन मोटिव इज दिस, सो फॉर दिस यू हैव टू डू एनलिस्टिंग। तो यही थे खास का सवाल जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, आप कोई भी आपका क्वेश्चन है आपके दिमाग में सो यू कैन आस्क मी, आई कैन डेफिनेटली आंसर इट। होप आपको पसंद आएगा वीडियो। और भी कोई आपका क्वेश्चन है रिलेशन टू दिस ड्रोन एनलिस्टिंग, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें और लाइक शेयर ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की पहुंच बढ़े। जब आप लाइक या शेयर या कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है और मैं चाहता हूं कि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे और सभी अभी से एनलिस्ट करवा लें ड्रोन को, बहुत ज़रूरी है ये। एवरीबडी शुड एनलिस्ट योर ड्रोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने फॉर्म भरना है, जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपका काम हो जाएगा, खाली नहीं छोड़ना कहीं पर। और एक और बात बता दूँ, अगर आपने बीच में फॉर्म खाली छोड़ दिया, रुक गए, तो फिर से सारा दोबारा भरना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेव वाला ऑप्शन नहीं है। तो एक बारी में ही सारा फॉर्म जो है भर डालें विदाउट एनी इशू। तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, अब मैं जा रहा हूँ। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें। एंड ये मैंने गाड़ी के अंदर बनाया, मैं कहीं जा रहा था, शनि मंदिर आया था, दर्शन हो गए, मैं जा रहा हूँ वापस। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। और M30S का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रूट वाईफाई कॉलिंग पे। नेक्स्ट इज वन दैट वन Next is that one. Thank you.